बॉलीवुड में हर साल हजार से ज्यादा फिल्में बनती हैं। कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट जाती हैं, तो कुछ फ्लॉप रहती हैं। बॉलीवुड में हर साल कई स्टार किड्स भी डेब्यू करते हैं और ये सिलसिला काफी टाइम से चलता आ रहा है। राज कपूर के बेटे से लेकर देवानंद के बेटे तक पिछले 7 दशकों में कई स्टार किड बॉलीवुड में लॉन्च हो चुके हैं। कुछ स्टार किड्स हिट रहे तो कुछ फ्लॉप रहे। क्या आप जानते हैं कि ट्विंकल खन्ना की बहन कौन है या द ग्रेट राजकुमार के बेटे कौन है? बॉलीवुड में हिट रहे या फ्लॉप, ऐसे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे गुमनाम बॉलीवुड स्टार किड्स की जो अपने माता पिता की तरह वो फेम हासिल नहीं कर पाए। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सुनील आनंद, बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर देवानंद को कौन नहीं जानता, सभी उनके एक्टिंग के दीवाने थे। उनके बेटे सुनील ने साल 1984 में आनंद और आनंद फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। सुनील के डेब्यू के बाद फैंस को ये उम्मीद थी कि सुनील अपने पिता की तरह अपनी एक्टिंग का जादू लोगों पर जरूर चलाएंगे। इसके बाद वो फिल्म कार थीफ और मैं तेरे लिए फिल्मों में भी नजर आए, लेकिन उनकी एक्टिंग लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म मास्टर उनकी आखिरी फिल्म बन गई, जिसे उन्होंने खुद डायरेक्ट किया था। सुनील आनंद 21 साल से बड़े पर्दे से दूर हैं। कुरु राजकुमार, द ग्रेट राजकुमार के बेटे कुरु राजकुमार अपने पिता की तरह ही बॉलीवुड में अपना करियर जमाना चाहते थे, लेकिन वो अपने पिता की तरह नहीं बन पाए। कुरु ने साल 1996 में बाल ब्रह्मचारी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद वो फिल्म मिशन कश्मीर, खतरों के खिलाड़ी, LOC कारगिल, उमराऊ जान और वीर जैसी फिल्मों में भी नजर आए थे, लेकिन लोगों ने उनकी एक्टिंग को कुछ खास पसंद नहीं किया। पुरु राजकुमार आखिरी बार साल 2014 में एक्शन जैक्शन फिल्म में नजर आए थे। इसके बाद वो समझ चुके थे कि एक्टिंग करना उनके बस की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने बॉलीवुड को टाटा बाय बाय कर दिया था। रिंकी खन्ना, बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की बेटी रिंकी खन्ना और ट्विंकल खन्ना दोनों ही बॉलीवुड में कुछ खास करियर नहीं जमा पाई। रिंकी खन्ना ने साल 1999 में प्यार में कभी कभी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। वो गोविंदा के साथ जिस देश में गंगा रहता है फिल्म में भी नजर आई थी। सिर्फ 5 साल में ही रिंकी को पता चल गया था कि एक्टिंग में वो अपना करियर नहीं बना पाएंगी और अपने पिता की छवि की बराबरी नहीं कर पाएंगी, इसलिए साल 2004 में ही उनका फिल्मी करियर खत्म हो गया था। शहबाज खान, अमजद खान के बेटे ने 1997 में राजा की आएगी बारात फिल्म से रानी मुखर्जी के साथ बतौर हीरो बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बड़ी फिल्म से डेब्यू करने के बावजूद भी शहबाज का करियर नहीं चल पाया। इसके बाद उन्हें फिल्मों में कभी कभार छोटे मोटे रोल ही मिले। शहबाज अपने 25 साल के करियर में सिर्फ 7 ही फिल्में कर पाए। करण कपूर, दिग्गज बॉलीवुड एक्टर शशि कपूर के बेटे करण कपूर ने साल 1986 में सुल्तानत फिल्म से बतौर हीरो बॉलीवुड में डेब्यू किया था। विदेशी लुक होने की वजह से लोग उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए और उनकी एक्टिंग को कुछ खास पसंद नहीं किया। इसके बाद वो सिर्फ 2 बॉलीवुड फिल्मों में ही नजर आए। आखिरकार वो समझ चुके थे कि अपने विदेशी लुक के साथ वो बॉलीवुड में करियर नहीं बना पाएंगे, इसीलिए उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर बॉलीवुड से सीधा एग्जिट ले लिया। कृणाल गोस्वामी, कृणाल मनोज कुमार के बेटे हैं। मनोज कुमार बॉलीवुड के एक दिग्गज एक्टर रह चुके हैं। वो ज्यादातर अपनी पेट्रियोटिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। पूरब और पश्चिम फिल्म में की गई उनकी एक्टिंग को लोग आज भी याद करते हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि कृणाल अपने पिता की सक्सेस के आसपास भी नहीं रहे। उन्होंने बॉलीवुड में 1981 को क्रांति फिल्म से डेब्यू किया था, लेकिन कृणाल अपने पिता की तरह बॉलीवुड में नाम नहीं कमा सके। कृणाल ने अपने 20 साल के फिल्मी करियर में सिर्फ 9 ही फिल्में की हैं। सरफराज खान, सरफराज बॉलीवुड के सबसे बड़े कॉमेडियन एक्टर कादर खान के बेटे हैं। सरफराज को आपने कई बॉलीवुड फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स में देखा होगा। उन्होंने साल 1993 में शतरंज फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन लोगों को उनकी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने 20 साल के फिल्मी करियर में सिर्फ 11 ही फिल्में करी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।